भाई क्या टाइम पास कर रहा हूँ, हटा इनको। ऑलराइट, तो आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाना है, क्रोम पे जाके आपको लिखना नोवा स्किन वॉलपेपर और पीछे लाइट लिख देना है। फिर इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और आपको कुछ ऐसा वॉलपेपर दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, विजिट पे चले जाना है, तो आपको डायरेक्ट वहाँ रिडायरेक्ट कर देगा। ये भी सही है। उसके बाद थोड़ा सा लोड होगा और आपको यहाँ पे इसके फेस पे क्लिक कर देना है और अपनी स्किन को ओपन पे क्लिक करके चूज कर लेना है। लाइक मैंने मेरी स्किन सिलेक्ट कर ली है एंड ये ऐसा आ जाए। उसके बाद आपको नीचे डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको गैलरी में आके इसको इतना सा क्रॉप कर लेना है, लाइक अपना जब कैरेक्टर है बस उतना दिखना चाहिए, इसको ऐसा क्रॉप कर लेना है एंड सेव कर देना है। ओके, तो इसको सेव करने के बाद आपको एक गूगल पे टाइप करना है remove.bg। उसके बाद अपलोड इमेज पर क्लिक करके वो इमेज यहाँ पे अपलोड कर देना जो भी अपन ने क्रॉप करी। उसके बाद थोड़ी देर में इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा एंड इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है इमेज इनहेंसर। उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इमेज अपलोड कर देना जिसका बीजी अपन ने रिमूव किया था। फिर थोड़ी देर प्रोसेसिंग लगा एंड आपकी इमेज इनहेंस होकर डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है गूगल पे वापस एंड यहाँ पे लिखना है क्रिस्टल पे भी, लाइक वो क्रिस्टल का बैकग्राउंड चाहिए तो मैं ऐसे कुछ भी लिख लेता हूँ एंड देखो ये वाला सही लग रहा है तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, मैंने डाउनलोड कर रखा है उसको। पिक्सआर्ट ओपन करते हैं। अच्छा, पिक्सआर्ट हॉरिजॉन्टल नहीं चल रहा, ठीक है वह ठीक है। उसके बाद इस इमेज को लेके क्रॉप कर देना है, लाइक मैं इतना क्रॉप कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप बैकग्राउंड में कुछ भी रख सकते हो। एंड फिर एफएक्स में जाके ब्लर पे जाना है एंड इसको मोशन ब्लर सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका जो मोशन ब्लर है वो अपन एडजस्ट कर देंगे। लाइक वो थोड़ा ब्लर दिखना चाहिए अच्छे से, जिससे लुक अच्छा आएगा। एंड उसके बाद एड पिक्चर पे क्लिक करके अपना जो रिमूव बीजी किया था उस वाले पिक्चर को ऐड कर लेना है। फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना, लाइक मैं थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। और फिर एडजस्टमेंट में जाके इसकी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा देना, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आपकी स्किन पे डिपेंड करता है वो। तो इतना होने के बाद इस इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा बहुत थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, लेकिन इसको अब मैं छोटा करके देखूँगा तो थोड़ा क्लियर दिखता है, इसलिए ऐसे बार बार मैं छोटा कर रहा हूँ। एंड इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद गूगल पे आना है और यहाँ आपको टाइप करना है इमेज इनहेंसर और वापस अभी जो अपन ने इमेज को एडिट किया उसको यहाँ पे इनहेंस कर लेना है, बिकॉज वो थोड़े ब्लरी से आपको दिखने वाली है, लेकिन वो ब्लरी की भी दिक्कत नहीं, अभी मैं बताता हूँ जो नहीं है। आपको इमेज चूज़ कर लेना है एंड यहाँ पे थोड़ी सी देर में इमेज, अच्छा दो मिनट, हाँ इसके बाद आपकी जो इमेज है वो इनहेंस होके आ जाएगी। तो ये रही आपकी इमेज जो कि ऐसी है, थोड़ी बहुत इनहेंस्ड भी है। और अगर आप देखो तो उसको आप जब अपने प्रोफाइल पे लगाओगे देन वो इतने ब्लरी नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ जाके पिक्सल छोटे हो जाते हैं अपने, सो वहाँ एक क्लियर दिखने वाली है। जब आप अपने प्रोफाइल पे लगाओगे तो वहाँ आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखने वाली, क्योंकि वहाँ आपको क्लियर दिखता है, क्योंकि इमेज वहाँ बहुत छोटी आती है प्रोफाइल में। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं सोच रहा था इस चैनल पर थोड़ा डिफरेंट कंटेंट अगर मैं ट्राई करूँ तो कैसा रहेगा, आप सपोर्ट दिखाओगे नहीं दिखाओगे?